मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। एक चीज मैंने बोली, मेथी का दाना। ऐसी एक दूसरी चीज और बताता हूँ जो बहुत अद्भुत है, वो भी आपके घर में हो तो मजा आएगा। वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है, और वो है पान में लगाया हुआ चूना। चूना खाइए, हाँ चूना लगाइए मत, चूना खाइए। और मेरा सबको कहना है तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। हाँ चूना बहुत ही अद्भुत है, जैसे मेथी का दाना अद्भुत है ऐसे ही चूना बहुत अद्भुत है। चूने की ताकत भी यही है जो मेथी के दाने की है। वात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग शरीर का बंद करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का ताकत चूने में भी है। गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, मनके का त्रास हो गया है, हड्डी में गैप पड़ गया है, ये सभी औषधि के रूप में चूना चलता है। चूना खाना। अब कैसे खाना, कैसे खाना, कितना खाना। चूना बाजार में मिलता है आप सब जानते हो, पान की दुकान में मिलता है आप सब जानते हो। वो चूना ले आइए, उस चूने को थोड़ा सा मात्रा में एक ग्राम चूना और 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही, दोनों मिलाइए और दही को खा जाइए। और दही नहीं है तो ताक, 100 ग्राम ताक, 1 ग्राम चूना, दोनों मिलाइए और पी लीजिए। ताक भी नहीं है तो कोई भी जूस, ऊस का रस, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, कुछ भी रस में चूना मिलाइए और पी जाइए। 1 ग्राम रोज का काफी होता है। गिनके 1 ग्राम कितना होता मालूम? बिल्कुल थोड़ा सा, एक तो चम्मच होती है ना, 1 चम्मच भर के टी स्पून, उसमें लगभग 15 ग्राम चूना आता। अब उसके 15 हिस्से कर दीजिए तो 1 ग्राम रहेगा। तो 1 ग्राम चूना, 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना, 100 ग्राम ताक, 1 ग्राम चूना, 100 ग्राम कोई भी फल का रस, और कुछ भी नहीं मिले तो पानी, पानी में चूना मिलाइए, पानी पी जाइए। तो अब क्या क्या ठीक कर देगा? गुर्दे का त्रास जिनको भी है, गंभीर से गंभीर गुर्दे का त्रास है, चूना बिल्कुल ठीक कर देगा। कमर दुखती है, चूना ठीक कर देगा। कंधा दुखता है, चूना ठीक कर देगा। मनके का त्रास है, चूने से ठीक हो जाएगा। मनके के अंदर गैप आ गया, जो दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, उस गैप को चूना उस गैप को भर देता। दांत कमजोर हो गए हैं, चूने से मजबूत हो जाते। दांत हिल रहे हैं, वापस जम जाएंगे। मुंह में बदबू आती है, चूना खाएंगे कभी नहीं आएगी। रात को नींद अच्छी नहीं आती, चूने से बहुत अच्छी नींद आएगी। पेट में भूख नहीं लगती, चूना खाओ बहुत अच्छी भूख लगेगी। और जिन बच्चों को ऊंचाई नहीं बढ़ती, उनको चूना खिलाओ ऊंचाई बढ़ेगी। जो भी बच्चे आपको ऐसा लगता है कि इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, उनकी आई भी ऊंची है, बाबा भी ऊंचे हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनको जरूर चूना खिलाए। कैसे खिलाए? तरीका मैंने बता दिया, दही में मिला के, ताक में मिला के, जूस में मिला। कितने दिन? जिनकी ऊंच बढ़ानी है उनको लगभग 1 साल चूना खाना पड़ेगा। हाँ रोज 1 ग्राम 1 साल का, सुबह खाली पेट। और एक गंभीर बीमारी जो बच्चों को अक्सर होती है, आपने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतिमंद है, देखा है ना, मतिमंद बच्चे। मतिमंद बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है यही चूना। जिन बच्चों को मतिमंदता है उनको चूना खिलाइए, दही में डाल के, ताक में मिला के, 1 बरस सतत खिला दीजिए, 1 साल, मतिमंदता बिल्कुल दूर हो जाएगी। और एक बीमारी जिसका नाम है जॉन्डिस, कावड़, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये चारों एक ही बीमारी के नाम है। जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, कावड़ है, हेपेटाइटिस है, उनको भी चूना खिलाइए, लेकिन ऊस के रस में, उनको दही में मत खिलाना कभी भी। जिनको कावड़ है, पीलिया है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, उनको चूना कभी भी दही में नहीं खिलाना, ताक में नहीं खिलाना, उनको ऊस के रस में चूना मिला के ऊस का रस पिलाना, तो 10 दिन में ही कावड़ ठीक होता। प्रमाण वही, 1 ग्राम चूना, 1 गिलास उसका रस।
और सबसे दुनिया की खराब बीमारी जिसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, उस बीमारी का नाम है लीवर सिरोसिस, लीवर का खराब हो जाना, इतना खराब हो जाना कि खत्म होने की स्थिति में आए, उस बीमारी को भी ठीक करने की ताकत इस चूने में है, चूना खिलाइए उनको। वही तरीका मैंने बता दिया उसके रस में। हाँ, जिनको भी लीवर का त्रास है, लीवर का त्रास जॉन्डिस में होता है, काबिल में होता है, पीलिया में होता है, सिरोसिस में होता है, इन सबको चूना खिलाना है उसके रस में। उसका रस सुबह सुबह कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो एक दिन पहले लाके रख लीजिए। हाँ, और कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी कारण से तो पानी में मिला के दे दीजिए। और चूना किस बीमारी में काम आता? बहुत ज्यादा दिन तक जिन्होंने शराब पिया है और शराब पी के शरीर उनका खराब हुआ है, उनकी सबसे अच्छी औषधि है चूना। ज्यादा दिन जो शराब पिए हुए लोग होते हैं उनके शरीर के अंदर के अंग बहुत खराब हो जाते हैं, उनको अगर ठीक करना है जिंदगी में तो उनको भी चूना खिलाना। शराबी लोगों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। कितने दिन? लगभग 4 महीने। और चूना किसको खिला सकते हैं? कुछ ऐसे लोग आपने जिंदगी में देखे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनमें पढ़ाई करते समय कुछ खास तरह के उनके सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है जब परीक्षा आएगी तो बुखार आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के नाम से ही रोना शुरू कर देते, सवेरे हुआ स्कूल का समय आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और ऐसे ऐसे बातें बताएंगे, पेट में दर्द हो रहा है, वो उसी समय होगा जब स्कूल जाने का टाइम है, आप बोलो स्कूल मत जाओ, दर्द तुरंत ठीक हो जाए। ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। जिनको परीक्षा के नाम से डर लगता है, बुखार आ जाता है, स्कूल जाने से घबराते हैं, स्कूल जाना बिल्कुल नहीं चाहते, पढ़ाई से कतराते हैं, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसे सब बच्चों की औषधि है चूना। पानी में डाल के दे दो, दही में डाल के दे दो, ताक में मिला के दे दो, जूस में मिला के दे। और मेरी तो आप सबको एक छोटी सी सलाह है कि आपके घर में पानी भरने का तो घड़ा है ना मिट्टी का, उसमें सुबह सुबह चूना डालो, सब लोग पी लेंगे तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। आप रोज मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, पानी भरते ही थोड़ा सा चूना डाल दो, दिन भर वो पानी कोई भी पिएगा सबके शरीर में चूना जाएगा, सबके काम आएगा। कितना डालना? अगर 15 लीटर का घड़ा है, 15 लीटर का, तो उसमें कम से कम 5 ग्राम चूना डालूंगा। 20 लीटर का है तो 6 से 7 ग्राम चूना डाल दो, और 30 लीटर वाला घड़ा है सबसे बड़ा तो उसमें 10 ग्राम तक चूना डाल दो। चूना वही जो पान की दुकान में मिलता है, लेकिन पान वाले से जब भी चूना लाओ तो कहना हमको सेंट मिलाया हुआ नहीं, बिना सेंट मिलाया हुआ चूना दो, गीला चूना कभी भी लाना है और उपयोग करना है तो गीला ही उपयोग करो। तो पान की दुकान में 2 तरह का मिलता है, एक तो सेंटेड है जिसमें खुशबू मिलाई हुई है, वो पान वालों के काम का, वो आपके काम का नहीं, आप उनको बोलो बिना सेंट मिलाया हुआ दे दो तो आप ले आओ। और अगर पान की दुकान में ना मिले तो बाजार से सीधे चूने का पत्थर खरीद लाओ, पानी में डाल के 2-4 दिन उसको छोड़ दो, 2-4 दिन में पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा, इस पानी को हटा दो, चूने को उपयोग करना शुरू कर दो। और चूने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, आप में से किसी को भी अगर पथरी का रोग है, गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, किडनी में पत्थर आता है, इनको कभी भी चूना नहीं खाना। चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पथरी की शिकायत है, गॉल स्टोन में या तो किडनी में। पथरी अगर बन रही है या पथरी बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पथरी होने की शिकायत है, ऐसे कोई भी लोग चूना ना खाए, नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। बाकी कोई भी खा सकते, गीला चूना
महीने दो महीना तीन महीना कभी भी खराब नहीं होता, पानी डालते रहिए, चूने का उपयोग करते रहिए। हाँ एक मिनट बात करता हूँ इसको थोड़ी देर में, दूध और दूध के पदार्थ जी। अगर आपकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर है तो आप मेथी और चूना दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के बीच एक तास का अंतर रखें। लेकिन 70 से कम उम्र है तो दोनों में से कोई एक ही आपके लिए अच्छा है, चाहे चूना ले लीजिए चाहे मेथी का दाना ले लीजिए। आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। कैसे? थोड़े दिन मेथी का दाना ले लीजिए एक महीने, फिर एक महीने चूना ले लीजिए, फिर एक महीने मेथी का दाना, फिर एक महीने चूना, तो जिंदगी की सब बीमारी चली जाएगी जी। पान के साथ जरूर खाइए लेकिन उसमें कत्था मत लगाइए। चूने का पान खाइए, कत्था मत लगाइए, तो वो चूना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। पान खाइए चूने वाला, कत्था मत लगाइए। कत्था और चूने का दुश्मनी है, इसलिए कत्थे के साथ कभी भी चूना नहीं खाना। कत्था चूना दोनों साथ नहीं खा सकते, आयुर्वेद में निषिद्ध है। खाली चूना खा सकते कत्थे के साथ हो जी। तो पान वाले को कहिए कि हमारे पान में खाली चूना लगा, कत्था मत लगा, बिना कत्थे का पान खाओ जी। चूने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, चूने से ट्राइग्लिसराइड कम होता है, चूने से वजन कम होता है, चूने से शुगर कम होती है, चूने से बुद्धि बहुत बढ़ती है, शरीर के जितने भी हार्मोन्स का बैलेंस टूटा हुआ है चूना वापस उसको स्थापित कर देता है। आई को जो 45 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होने के बाद जितने भी त्रास है वो चूने से भी ठीक हो जाते हैं। जो कुछ मेथी दाने से ठीक होता है वो चूने से भी ठीक होता है। रात में कम खाएं तो अच्छा है, दिन में सबसे अच्छा चीज, और दिन में भी सबसे अच्छा समय है सुबह का। साइड इफेक्ट एक ही है, अगर आपको पथरी बनने की शिकायत है तो साइड इफेक्ट चूने का आएगा, वरना किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं आता। अगर आपको पहले से शरीर में पथरी बनने की शिकायत है तो चूना खाने पर इतना ही होगा कि पथरी फिर बन जाएगी, इसलिए आप पथरी बनने की शिकायत पहले दूर करिए। वो नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी चूना ज्यादा खाया तो पेशाब के साथ शरीर के बाहर अपने आप निकल जाए। चाट के खाया तो? चाट के खा लीजिए। जीभ की ताकत कितनी है ये इस पर निर्भर करता है, अगर आपकी जीभ टॉलरेट कर सकती है तो चाट के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्राम तक चाट सकते हैं रोज। पान के साथ चूल्हा लगाना कुछ डालना क्या? पान में सौंफ डाल सकते हैं, लवंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, कत्था नहीं डाल सकते। हाँ तो बिना कत्था डाले चूना लगा के खा लीजिए। बच्चे को लगभग, अगर आपका बच्चा थोड़ा उम्र में 15 साल के आसपास है तो उसको 1 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन 15 से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको आधा ग्राम ही काफी है, 1 ग्राम का आधा। उनको लगभग, अगर आप मानसिक बीमारी के लिए दे रहे हैं जिनको मैंने कहा ना मती मन बताए, उनको तो 1 साल लगातार देना पड़ता है। उंच बढ़ाने के लिए अगर दे रहे हैं तो भी लगातार 1 साल देना पड़ता है। बाकी सभी बीमारियों में 3 महीने से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। कावी के रोग में, जॉन्डिस में 10 दिन से ज्यादा देने की जरूरत है जी। ले सकते हैं, चूने से कोई तकलीफ। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण माहिती देने जा रहा हूं, वो सभी आई ध्यान से सुने तो अच्छा है। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो 2-4 दिन होते ही उनको कावड़ हो जाता है, कई बार ऐसा जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस कई बच्चों की जान ले लेता है, और आजकल ऐसी बहुत केस आए। तो मेरा एक निवेदन है कि जिनके भी घर में नया बच्चा आया है वो आई को नियमित रूप से चूना खिलाए, तो उसका जो दूध है दूध में चूना आएगा और बच्चे को मिल जाएगा, तो उस बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं आएगा। हाँ अगर आई को 8 महीने पूरे हो गए तो चूना खिलाना शुरू कर दो, लगभग 7 महीने से भी दे सकते। आई को कैसे देना है? सुबह सुबह नाश्ते के समय दही और चूना दोनों मिला के दीजिए, 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना, गर्भावती गर्भस्थ आई को जरूर दीजिए।
ताकि उसके बच्चे को कावड़ ना हो। जो आई भी गर्भावस्था में चूना खा ले एक महीने, उस आई के बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं होता, जॉन्डिस होता है। और उस आई का बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है और आई को कभी सीजेरियन नहीं होता अगर चूना खाया है आई ने, एक महीने भी लगातार खाया है तो आई को सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर में कोई भी आई गर्भावस्था में हो तो सवेरे दूध में, नहीं सॉरी माफ करिए, दही में चूना मिला के देना शुरू कर दे। और उसी आई को एक काम और करेंगे तो और भी अच्छा है, सवेरे तो दही और चूना देना और रात को उस आई को गाय का दूध और तूप मिला के देना, गाय का दूध और उसमें मिलाया हुआ तूप, एक गिलास दूध में कम से कम 2 चम्मच तूप रात को देना और सकाड़ी दही और चूना देना, नहीं तो ताक और चूना देना। ये 2 चीज अगर नियमित रूप से 2 महीने 3 महीने आई को दे दिया गर्भावस्था में तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और उस बच्चे को भविष्य में कोई भी रोग और बीमारी जल्दी नहीं आएगी। उस बच्चे को का लस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो पोलियो का लस देते हैं ना, हेपेटाइटिस बी का लस देते हैं, जो बच्चों की आई ने चूना खाया है गर्भावस्था में उन बच्चों को कोई भी लस देने की जरूरत नहीं होती। उनका शरीर का रेजिस्टेंस पहले से ही इतना अच्छा होता है कि कोई भी बीमारी को वो झेलने की ताकत पहले से रखती। मैंने ये प्रयोग 100 आई पे करके देखा पिछले 6 साल और उन सभी के बच्चे बिना सीजर हुए हैं, बच्चे तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, किसी को भी पोलियो वैक्सीन नहीं दिया आज तक, कोई बच्चा उसमें 2 साल का है, कोई 3 साल का नहीं। और 3 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनका IQ माने बुद्धि इतनी तेज है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भी मात करते हैं। उनमें से एक छोटी बेटी है, अकोला में है, उसका भी एडमिशन कराया 3 साल की उम्र में, तो उसके स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है कि इसको 3 क्लास के बच्चे से भी ज्यादा ज्ञान है, अभी उसका एडमिशन KG में हुआ है। इतना IQ तेज है, रिसेप्टिविटी इतनी तेज है और ये सारा का सारा प्रभाव है चूने का। वो आई ने गर्भावस्था में नियमित रूप से 4 महीने चूना लिया है, उसकी बच्ची बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त है, कभी दांत निकलते समय बीमारी उसको हुई नहीं बच्ची को, सर्दी जुकाम आज तक 3 साल हो गया कभी आया नहीं उसको, बुखार कभी हुआ नहीं, पूरे अकोला शहर में चिकनगुनिया हुआ उस बच्ची को नहीं हुआ, उसकी आई को भी नहीं हुआ। जी क्या बोला, सर्दी जिनको बार बार सर्दी होती है ऐसे बच्चों को भी चूना नहीं, तरीका वही है पानी में मिला के, नहीं तो दही या ताक। तो ये चूना मैंने देखा है 48 रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है, अकेला चूना। पेशाब की तकलीफ में अगर रुक रुक के पेशाब आती है उनको चूना मत दे, रुक रुक के जिनको पेशाब आती है ड्रिबलिंग जिसको कहते हैं उनको चूना नहीं देना, बाकी किसी को भी दे सकते। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।